देखिए भोरे ही ड्यूटी पे लग गए हैं। ए जी सुनिए ना, ये कपड़वा छत्ता पे पसार दीजिए। ए जी दाल चढ़ा दीजिएगा। ए जी मेरा चप्पल भी साफ कर दीजिए। अभी ले तैयार नहीं हुए हैं। मानो जादूगर है, कहाँ काम भी करते रहे तैयार भी हो जाते हैं। एक बात बोले। क्या हुआ? लिपस्टिक लगा के गजब ढा रहे हैं, आओ ना इधर। ये क्या कर रहे हैं? हमको जाना है और आपको रोमांस सूझ रहा है। होटल वाली लिपस्टिक किसके लिए लगाई है? किसी और के लिए? और कौन होगा? लिपस्टिक लगाए नहीं कि आपके कलेजा पर सांप लौटने लगता है। ये लीजिए, अभी घोंगा जैसा मुंह काहे बना रहे हैं? जाइए तैयारी होइए, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है हमको। एंडियल भैया, अच्छा परवा नहीं चलिएगा? अरे खनवा खा लेने दो, ये हमको ले चलेगा। राग महाराज, आप दूध से टरका रहे हैं? कुछ बोलो, खाली भमाठी मारते हैं आप। आइस भैया, ड्राइवर भौजी साहेब, बढ़िया ड्यूटी लगल है, बस लाना ले जाना आराम फरमाना। सरकार एक आदमी के सैलरी दे के दो दो आदमी खटा रहा है। गाड़ी को ऐसे रोकेगा तो गाड़ मुड़ी दोनों छिला जाएगा। कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे। अच्छा ये बताओ पंपम, ये मोटरसाइकिल तोरे के तोर मेहरारू के? अभी बेचारे कमाते ही नहीं है तो बीबीए ने दी होगी पर्स से निकाल के। अरे जो साला मर्द कमाता नहीं है मर्दे है, हमको तो साला शौक है। अरे शौक है तो खुलवा के देख लो, सब शौक दूर हो जाएगा।
हम चलते हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं, का गुटाई है, का कोनो काम है? उनको काम है। ए पंपम भाई, भौजी हमको बैंक से लोन करवा देगी। अरे मोटरसाइकिल लोन के लिए सैलरी स्लिप चाहिए, है स्लिप? अब तुम सब की मेहरारू तो गोबर पाथती है, गोईठा ठोकती है, तो कहाँ से मिलेगा? दो चाबी। अरे आत्मसम्मान भी कोई चीज होता है जी। पम्मी जी, वो फ्यूचर कंस्ट्रक्शन कंपनी वाली लोन फाइल हो गई, लाइएगा जरा। हाँ सर, लाते हैं। उसमें एक लेटर है, वो लेके आइए। अरे छोड़ दीजिए, वो अंग्रेजी में है, आपको समझ में नहीं आएगा। सर एमए की है, अंग्रेजी भी आता है। लेकिन नौकरी के आवेदन में तो आपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगाया। सर मैट्रिक पर बहाली हुआ है तो एमए का सर्टिफिकेट देके क्या करते? एमए करके चपरासी की नौकरी, कहीं और ट्राई मारना चाहिए था आपको। सर अब वैकेंसी कहाँ है, अब वो जमाना गया, अब नरक में भी ठेला ठेली है, और ई जॉब के लिए तो एगो पीएचडी भी लाइन में लगा हुआ था। आई हो दादा, इतना सब कुछ हो गया इस दुनिया में और हमको पता तक नहीं है। सर अखवा खोलिएगा तब ना, अखवा पर तो जाति धर्म का पट्टी बांधे हुए हैं। अरे सर आपको नहीं बोल रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। नहीं नहीं ठीक है, कह रही हैं आप। सही है ना? लेटर तो सही है। थैंक यू पम्मी जी। कोई है जो हमको और आपको आपस में लड़वा के बीच में छाली काटना चाहता है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग माई आग की पट्टी। आज साला तोरे वजह से हम हार गए, समझा? महाराज दीदी आग के चक्कर में पड़े तो गुलाम बादशाह कहाँ से आएगा। अरे यार एकदम ब्याह पे नहीं करेंगे ना। तुम भी ठीक है कहते हो यार। तो मैडम का खाना जा रहा है, बढ़िया ड्यूटी है भाई। दुधारू गाय का तो सेवा करना ही पड़ेगा ना, अन्ना तो दूहे बखत लतार मारेगी। अच्छा पम्पम भाई, ये बचवा आपको मम्मी कहता है कि पापा? पापा नहीं 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 मम्मी है। बेटा हमारे मेहरारू इलाक है, ये ऑफिस में काम करती है, और तुम सब की मेहरारू काला अक्सर भैंस बराबर। इस साया साड़ी ब्लाउज सब फिसते हैं हमारे पम्पम भैया। अंडर बियर और चिस्टर का है भूल गए बे? अरे चिस्टर नहीं बे, कुछ और कहते हैं। अब ब्लेसियर बोलते हैं जी। दर साला अंग्रेजी के चूजा, हिंदी में कंचुकी कहते हैं, है ना भैया? अरे पैड भी ला कर देते हो का? देने का तो छोड़ो, ही लगाते भी होंगे। अबे खुजली जाके खुजा अपने मेहरारू, चलते हैं। अरे मेहरारू के कमाई खाओगे तो सर पे चढ़ के मुतबे ना करेगी। जाइए जाइए, भौजी भूखाइल होगी, सियाइल भी होगी। अरे चल चल चल। अरे पम्पम बाबू आइए आइए, कैसे हैं? ठीक है। रोज रोज आप ही खाना लेकर आते हैं, ये कैसे? पति ही एक ही है तो और कोई से लेके आएगा? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मेरे कहने का मतलब है कि खाना लाना और ड्यूटी दोनों को मैनेज कैसे करते हैं? किसने कहा कि हम नौकरी करते हैं? वर्क फ्रॉम होम करते हैं। अब कहाँ वर्क फ्रॉम होम, अब तो सारा ऑफिस ओपन हो चुका है। नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हुआ है, हम कोई नौकरी वोकरी नहीं करते हैं। आपने तो कहा था कि मेरे पति नौकरी करते हैं। पहले करते थे, अब छूट गया है। खैर कोई बात नहीं। रुकिए रुकिए, टिफिन छूट गया है ऑफिस में। नहीं चलो चुपचाप। काहे
बैंक में क्या है झूठ बोले कि हम नौकरी करते हैं। आप ही का इज्जत बना रहे थे ना। इज्जत बनी की बिगड़ी? आप ही ना बिगाड़े। हम कितना इशारा कर रहे थे फिर काहे बोल दिया जॉब नहीं। अच्छा हम रोजगार है तो शर्म आता है क्या तुमको? आपको शर्म नहीं आता है कि आप बेरोजगार है? नहीं हमको शर्म तब आता जब हम पढ़े लिखे नहीं रहते। असर पुछवाना चाहिए जो रोजगार नहीं दे रहा है। ज्यादा फिलोसफी मजा आ रही है। चलिए चुपचाप से उतरो। हमने बोला ना उतरो। क्या हुआ पगला गए हैं का? मतलब हमारे पास नौकरी नहीं तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। तुम भी हमको उसी नजरों से देखती हो ना। एक बेरोजगार बेचारा निकम्मा मजबूर इंसान जो घर में रसोई या बच्चे संभालने का मजबूर है। यही बात है ना? ऐसा कोनो बात नहीं है। कुछ मत बोलिए। यही बात है। अरे हम ये सब करते हैं अच्छे मन से कि तुम बाहर का काम करती हो तो कम से कम घर का काम तो कर दे। तुम्हें थोड़ा आराम तो दे। लेकिन देख रहे हैं तुमको मेरी नौकरी न करने का हीन भावना है तुमको। अरे गांव के लोग कितना टोट मारता है हम पे लेकिन हम तुमसे कभी कुछ कहे हैं? ऐसा कोनो बात नहीं है। आप जबरदस्ती अपना बात हमारे मुंह में मत ठूसिए। देखो अगर ऊंच नीच का भावना मन मिलाई ना तो सब छोड़ देंगे। लाना ले जाना खाना पहुँचाना सब। तो छोड़ दीजिए ना। सुना किसको रहे? अब भाई ये छोड़ देंगे तो जाइए। गौर नहीं दिया कहाँ आपको भगवान जी। पैदल चले जाएंगे हम। तो ठीक है आना पैदल। टिकडिम टिकडिम करते हैं। बात है भौजी लगता है दोनों प्राणी में झगड़ा हुआ है का? अरे हमको तो लगता है कि जलन हो गया है आपसे उनको। ई का चप्पल टूट गया? अरे गाड़ी से जाती तो ना टूटता। मजा चखाइएगा आज खाखा के सनक गया है। बताइए महाराज बूटी फुल हाथ से चप्पल उठवा दिया। हम पर चप्पल फेंकी? आप पे फेंकते तो लग जाता उधर नहीं गिरता। टूट गया है छोड़ के चले आए बड़काना। गाड़ी इनका मस्ती के लिए लिए यही यहाँ हवा खाएंगे और हम पैदल धूल फाकेंगे। आज तक एगो कान का बूंदी तक नहीं लाके दिए और हम इनको अपना कमाई से गाड़ी लाके दे दिए और अब हम ही को छोड़ के चले आए। तो ठीक है आज के बाद हाथ में नहीं लगाएंगे तुम्हारी गाड़ी को। कसम खाते हैं। बड़का है कसम खाने वाले। पहले चप्पल बनवा दीजिएगा हमारा फेवरेट चप्पल है। सुनते हैं सुनिए ना। उठिए क्या हुआ? सर में दर्द है। दबा दे। नहीं। बाम लगा दे। बदन दबा दे। बोला ना नहीं। मतलब नाटक कर रहे। चलिए उठिए रोटी बनाइए। देखो खुद काम कर लो। और आप क्या करेंगे? चादर तान के सुतेंगे। चलिए उठिए। बोला ना खुद कर लो। बैल है का? दिन भर बैंकों में खटे और यहाँ घर पे गधा भी बने। तो हम नौकर हैं और दहेज में लेकर नहीं हटता ही हो का? देखिए हम भूखे चले जाएंगे बता रहे। जा। भूख हमको बर्दाश्त नहीं होता है जानते हैं ना आप। बीपी लो हो जाता है होमोग्लोबिन लो हो जाता है हमारा। चक्कर आके गिर जाएंगे तो यही चाहते हैं ना आप। गिर गिरा के कहीं मर जाए। ठीक है सुन रही है? आटा सान दिए जाके रोटी बना लो।
अब हम तैयार हो गए, रोटी बनाएंगे तो पसीना निकल जाएगा, आप ही बना दीजिए। अब रोटी ना बनेगा हमसे, जाके बना लो अपना। ऐसे का बैठे हुए हैं, पहुंचाने चलिएगा कि हम खुद चला के चले जाएं। जाओ चला के, रोका कौन है? आता चलाने तो चलिए जाते। सीख लो, मना कौन किया है? तो तूल पर कदुआ रोपे, स्कूटी लेते तो सीख ही लेते, अपना मनमानी चलाए और ये मोटरसाइकिल लिए, ताकि हर रोज आपके सामने गिर गिराए, पतिदेव जी ऑफिस के लिए छोड़ दीजिए। ड्राइवर रख लो, इतना तो कमाती है। ड्राइवर रख लो, चलिए चुपचाप। बोला ना नहीं जाएंगे, कसम खाए थे कि तुम्हारी गाड़ी को हाथ में ना लगाएंगे। आप कसम खाए तो हम भी कसम खाते हैं, एक महीना में मोटरसाइकिल सीख के दिखाएंगे, और न सीखे तो असल बाप की बेटी नहीं। ले? हाँ सर, कुछ काम आ गया था। कहाँ पंपम भैया, भौजी को छोड़ने नहीं गया आज? आज छुट्टी पर है। अरे ओ पंपम, अरे कहाँ है? है वहाँ, कहाँ बैठा है? ना ऐसे ही बैठे हुए थे। क्या बात है? प्रणाम फूफा जी। खुश रहो। आइए आइए। क्या बात है, चेहरा बहुत उदास है। अरे नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, सब ठीक है ना? कोई दिक्कत है का? ना 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 ऐसा कुछ, आइए ना बैठिए ना। कनेवा घर में नहीं है का? ना वो ड्यूटी गई है ना। ड्यूटी? हाँ। कैसा ड्यूटी? बैंक में नौकरी करती है ना। तब तो चाय पानी नहीं मिलेगा। अरे नहीं नहीं फूफा जी, हम है ना, हम बना के लाते। तू बना के लाएगा? माने जो काम तोरा करना चाहिए वो तोर मेहरारू कर रही है, और ओकर काम तू शुरू कर दिया है, का हो गया पंपम? अच्छा है ना फूफा जी, हम भी बेरोजगार हैं, कम से कम चार पैसा तो ला रही है, ना तो हम भी घर में बैठे रहते, वो भी घर में बैठे रहते, अब पैसा के लिए रोज दिन मारा पीटी होता। औरत जात के रोज रोज घर से बाहर आना जाना ठीक नहीं है पंपम, समझो बात को। अरे नहीं फूफा जी, हम उसको रोज दिन गाड़ी से लेके जाते हैं और फिर लेके आते हैं। इस बीच वो ऑफिस में क्या करती है उसका हिसाब किताब है तुम्हारे पास? क्या करेगी, अपन काम करेगी। अपन काम करेगी? कौन सा काम करती है, कौन से पद पे है वो? चपरासी है। चपरासी? जा रे करम, चपरासी, ठाकुर के घर की बीबी चपरासी के काम? अरे तुम्हारे पूर्वज जमींदार थे जमींदार, उनका कुछ तो ख्याल किया होता, तुम्हारे घर के कोने कोने में हाथी और घोड़े बांधे रहते थे। तुम्हारे बाबा जब हाथी पे बैठ के खेत खलियान घूमने निकलते थे तो हाथी वाले बाबा कहलाते थे, हाथी वाले बाबा। और उनके घर की बेटी बहू आज चपरासी के काम? हाथी थे तो क्या करे, इकर गर्दन बांध ले रोड पे लेके घूमे, वही सब नवाबी है जमींदारी, ये महंगाई में पेट पालना मुश्किल हो रहा है। तब तो चपरासी के काम करती होगी तो चाय भी पिलाती होगी, फाइल भी इधर उधर करती होगी, ऐसे में कोई साहब कुछ करेगा तो विरोध नहीं कर पाएगी वो। नहीं नहीं पापा जी, मम्मी बहुत समझदार है, उसके साथ कोई ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर सकता। आ कहीं उसी का मन हो गया तो?
देखो पम्पम, स्त्री का मन बहुत चंचल होता है, कभी तीसी का फूल तो कभी सरसों का फूल। हम तो कहेंगे कि तुम बाहर निकलो, कुछ करो, उसकी कुछ कहानी बने, उससे पहले उसको घर पे बैठाओ। आपके पति आए नहीं अभी तक? नहीं, लगता है गाड़ी खराब हो गया है। फोन करके देखिए, शायद आ रहे हो। हाँ हाँ, पूछते हैं। कहाँ है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये तो बड़ा चक्कर हो गया, पूरा इंजन ही बैठ गया है। इंजन बैठ गया? अरे आपकी तो नई गाड़ी थी ना? अब थी तो नहीं, पर मशीन तो मशीन है, कभी खराब हो जाता है ना। फिर जाइएगा कैसे? अब पाव गाड़ी है ना सर, चले जाएंगे हम। चलिए, हम आपको छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, आप कहे तकलीफ लीजिएगा। तकलीफ की कोनो बात नहीं। हाँ, अगर आप मुझे शरीफ नहीं समझते तो फिर बात और है। नहीं नहीं, ऐसा कोनो बात नहीं है सर। तो फिर चलिए। हाँ, छोटा गाय कभी खेत तो कभी उखे। अरे यह से हमारे पूर्वज औरत के बाहर निकले के खिलाफ थे भाई। चीनी जब हवा खाएगी तो चीटी लगबे न करेगी। पम्पम भाई, एक बात कहे। क्या हुआ? आपकी मेहरारू को पर लग गया है, दूसर तीसर के मोटरसाइकिल बैठ के गांव में आके हवा खा रही है। देख, हद पार मत कर, जानते हो तुम क्या बोल रहे हो? सच बात बताया तो हद पार कर दिए, लगे भेड़ा नहीं भेभिया ने। पूछ लीजिएगा गजड़िया, वहीं बैठा था, कैसे चिपक के बैठी थी वो, न मुड़ी पर पल्लू था न तुम तो गायब। क्या पूछे गजड़िया से? तो गांजा भूख के बकवाल रहता है। बकवाल रहता है, एकदम बराबर देखता है स्लो मोशन में सबको। देख, अगर झूठ बात हुआ ना तो गाड़ में डाल के गंगा जी में लुटका देंगे तुमको। सच बात होगा तो मुखर्खी लगाया जाना। ठीक है, तो जाइए समझाइए बुझाइए, गांव में ससुर बसुर भी हैं। शाम को बैंक से कैसे आई थी? आपसे मतलब? आप लेने ही नहीं आए तो काहे पूछ रहे? आप पूछने का हक खो दिए। ज्यादा फिलोसफी मत झाड़, जो पूछ रहे हैं ना उसका जवाब दे चुपचाप। मैनेजर सर छोड़ दिए। अच्छा, एक दिन पैदल चल रही थी तो क्या पैर घिस जाता तुम्हारा? पैदल ही आ रहे थे, लेकिन मैनेजर सर पूछे कि छोड़ दें तो हम उनको मना नहीं कर पाए। अच्छा, आप किसी और चीज के लिए बोलेंगे तो मना नहीं करोगी ना? ज्यादा अल बल मत बोलिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। क्या ठीक नहीं होगा? पूरा गांव के लोगों पे ताने मार रहा है। अब गांव के लोगों के दिमाग में गोबर भरा है तो हम क्या करें? हाँ, तुम ही बड़ा दिमाग वाली, नौकरी करने लगी पैर जमीन पर नहीं है, लोग लाज भूल के छिनर पर उतर आई है, ऐसे क्या देख रहे? मारेगी क्या हमको? कहे मारने का अधिकार खाली मर्दों का है का? हाँ, अगर पत्नी बच्चलन हो ना तो उसे जान से मारने का अधिकार है। ठीक कहते थे गाँव के लोग, वो भी दिन आ गया। तुमको जाना है, जाओ, बउआ चाची के साथ रहेगा। अरे पम्पम, तुम्हारी औरत कहाँ जा रही है बैग वगैरह लेकर? ए बबलू भैया, ये तो होना ही था। तुम चले। हेलो बीबी, रूठ रूठे पिया को मनाऊं कैसे, रूठ रूठे पिया
ए, गाना फिट नहीं बैठ रहा है, कोई और गाना गाओ। का करूं सजनी आए न बालम, तड़पत बीते मोरे तुम बिन रतिया। बीबी बीबी तू लेके घूम रहा है रे? अरे का करे, पम पम भैया के किस्मत में नहीं है तो। चलो भाई। अच्छा सुने हैं आजकल कार से आती हैं? वाह भौजी, दू चक्का छोड़ कार से आ रही है। अरे इसको ना कहते हैं विकास? और लोग कह रहा है कि देश में विकास नहीं हो रहा है। अरे पंपम बाबू आइए आइए, सुने हैं कहीं काम पे लग गए हैं इसीलिए मैडम को छोड़ने नहीं आ रहे हैं आप। देखिए हमारे बीवी ने गलत बताया है आपको, हम कहीं नौकरी वोकरी नहीं करते हैं। हम नौकरी के लिए बहुत कोशिश किए थे मगर कहीं बात बनी नहीं, इसी बीच हमारी शादी हो गई और पम्मी प्रेगनेंट हो गई। कौन संभालता उसको, हम उसको संभालने में लग गए। उसकी प्रसव पीड़ा के दौरान हम ही डॉक्टर थे, हम ही दाई थे, हम ही सब कुछ थे, इसी बीच उसकी नौकरी लग गई और हम बच्चा पालने में लग गए ताकि हमारी बीवी सम्मान से जी सके। हम उसको लेके आते हैं, लेके जाते हैं, खाना पहुंचाते हैं, दुनिया हमको ताना मारती है, क्या क्या नहीं कहती है, तो मुझे सारा बर्दाश्त है लेकिन वो किसी और के साथ घूमे ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात उसे समझा दीजिएगा। हाँ वकील साहब। कौन? हम पम्पम बोल रहे हैं। हाँ हाँ बोलिए बोलिए पम्पम जी, क्या हाल है? तलाक का पेपर बनवाना है। किसका? हमारा और बीवी का। आपका सुबह में 5,000 रुपए लेकर के 10 बजे मेरे टेबल पर आ जाइए। बीवी का साइन करा कर ले आइएगा। ये लो कागज। कहाँ है ये? देख लो। तमाशा लगाने आए हैं। तमाशा तुम बना दियो मेरी जिंदगी का। आदमी है का आप? तलाक का कागज लेकर आ गए हैं? 10 साल हमारा शादी को हो गया है, 1 साल का बच्चा है और आप तलाकनामा लेकर आ गए हैं? पगला गए हैं का? और जितना आसानी से पेपर लाए ना उतना आसानी से हमारा जवानी लौटाइए, हमारा कुमारापन लौटाइए और हमारा 10 साल लौटाइए। और जो 10 साल में 2 बार बच्चा गिरा ना आपकी बेवकूफ़ी के कारण, जो जो हम दर्द सहे हैं वो सब का हिसाब चाहिए हमको। हमको अपना हर पीड़ा हर दर्द का मुआवजा चाहिए। तलाक का कागज लेकर आए हैं, सुनिए, आप लोग भी सुनिए, आइए सुनिए सुनिए। देखिए ये हमारे पति हैं, भकलोल पति। देखिए देखिए आप लोग भी देखिए, आइए आइए बताइए, सबको बताइए कहाँ लिखवाए इस तलाक के कागज पे, किस ग्राउंड पर, किस ग्राउंड पर हमको ये तलाक दे रहे हैं बताइए, कहाँ लिखवाए वकील से? यही कि हमारी बीबी पागल है, बच्चलन है, दूसरे मर्द के साथ मुंह मार ले चलती है। बोलिए कहाँ लिखवाए, सबको बताइए आज।
नहीं दिए। जानते हैं गांव का आदमी, यहाँ तक कि हमारे बाऊजी सब हमको बोला कि तुम्हारा होने वाला दूल्हा भकलोल है, लेकिन हम आपको भकलोल नहीं समझे थे। जानते हैं काहे? काहे कि हमको ये भकलोल इंसान के पीछे एक सच्चा इंसान दिखा और इसीलिए हम ब्याह किए। और आपका किए, तलाक का कागज लेकर आए आप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब लइबे किए थे तो फाड़ काहे ला दिए? चलिए फाड़ ही दिए तो बनवाइए तो दूसरा कागज। चलिए हटिए उठवाइए, उतरिए, चलते हैं वकील से दूसरा कागज बनवाते हैं। हटिए, भकलोल जैसा खड़ा कैसे है? चले बैठिए। मैनेजर साहब, आपको क्या लगता है, पमिया तलाक देगी? भकलोले हैं क्या जी आप भी? अरे तलाके देना रहता तो सड़क पे इतना तमाशा काला करती? अरे पति पत्नी के बीच के आपसी अंडरस्टैंडिंग का मामला है जिसको पम्मी बहुत अच्छी तरह से निभाती है। अरे मेरा तो आशीर्वाद है उन दोनों के साथ।